चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली सच दैट वन ऑफ द प्लेट इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड व्हाइल द अदर इज अबव द लिक्विड सरफेस। व्हेन प्लेट्स आर चार्ज्ड द लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, लेवल ऑफ द लिक्विड क्या होगा। सबसे पहले तो ये है कि एज्यूम करो कि इस टर्मिनल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया आपने, ठीक है, और ये वाला ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये प्लेट है, दूसरी प्लेट है, और इसी में लिक्विड को समर्ज किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक वाटर क्या है, वाटर यूज किया गया है ना, लिक्विड को यूज किया गया है, तो लिक्विड है तो ये हम कंसिडर करते हैं कि इसकी डायलैक्ट्रिक के है, ठीक है, डायलैक्ट्रिक है के, तो इसमें जो चार्जेस इंड्यूस होंगे, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे ये जो यहां पर इस जगह पे इंड्यूस होगा माइनस क्यू चार्ज, क्यू इंड्यूस की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन के, तो ऑब्वियस ही बात है क्यू इंड्यूस इज लेस देन क्यू के इक्वल होता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इंडक्शन हुआ यहां पर चार्जेस की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर डायलैक्ट्रिक के अंदर लिक्विड का इंडक्शन हुआ, ठीक है। और अगर के जीरो होता, के की वैल्यू वन होती तब तो इंडक्शन होना ही नहीं है, ये जीरो होगा, जीरो होगा, लेकिन यहां पर डायलैक्ट्रिक है तो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, और जब खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है राइज होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।